दोस्तों एक वर्डपीस की यूजर ने पूछा है कि अगर हमें वर्डपीस की पोस्ट के अंदर कह सकते हैं वर्डपीस साइट या ब्लॉग के अंदर लाइक डिसलाइक का अगर बटन लगाना हो तो कैसे लगा सकते हैं, कैसे हम फंक्शन इनेबल कर सकते हैं लाइक डिसलाइक का। जैसे कि हम पोस्ट पर क्लिक करते हैं, कोई भी विजिटर हमारी पोस्ट को पढ़ता है, जैसे कि नीचे आता है तो लाइक डिसलाइक के बटन आ जाए। जैसे ही आपने काफ़ी वेबसाइट या ब्लॉग में देखे होंगे वहाँ पर लाइक डिसलाइक के बटन होते हैं, है ना। तो कोई भी यूज़र उन पर क्लिक करके अपने हिसाब से उस पोस्ट को लाइक देख सकता है या डिसलाइक देख सकता है, ठीक है। तो हम कैसे वर्डप्रेस के अंदर लाइक डिसलाइक फंक्शन को इनेबल करते हैं, कौन सा प्लगइन यूज़ करते हैं, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो वर्डप्रेस के अंदर लाइक डिसलाइक बटन ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो जाना है। वर्डप्रेस से रिलेटेड काफ़ी फंक्शन मिलेंगे आपको। यहाँ पर मिलेगा प्लगइन का फंक्शन, एंड प्लगइन के फंक्शन पर आप जैसे ही कर्सर ले जाएंगे तो तीन ऑप्शन मिलेंगे, इंस्टॉल प्लगइन, ऐड न्यू और प्लगइन फाइल एडिटर। आपको यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक कर देना है। ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा सर्च प्लगइन का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर टाइप करना है लाइक डिसलाइक काउंट। जैसे आप प्लगइन को सर्च करेंगे तो ये प्लगइन आ जाएगा। काफ़ी अच्छा प्लगइन है और उसको आप इजीली यूज कर सकते हैं, फ्री में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिए। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर है एक्टिवेट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा लेफ्ट साइड में वर्डप्रेस के अंदर लाइक एंड डिसलाइक, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसके पेज पे आ जाएंगे, इसकी सेटिंग पे। तो अभी ये इनेबल है, चलिए यहाँ पर इनेबल आ रहा है तो हम रिफ्रेश करते देखते हैं हमारी पोस्ट के अंदर लाइक डिसलाइक आ रहा है कि नहीं आ रहा। नीचे जाते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लाइक डिसलाइक आने लगा, ये देखिए है ना। तो यहाँ पर कोई भी अपना जो भी लाइक डिसलाइक दे सकता है, और दोस्तों ये हर पोस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं और पोस्ट भी खोल कर दिखा दूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी सभी पोस्ट में एक्टिव हो जाता है जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं अपनी साइट के अंदर और एक्टिवेट करते हैं। देखिए यहाँ पर भी आने लगे, ये देखिए है ना। एंड दोस्तों आपको लग रहा है कि मुझे कलर चेंज करना है, तो मुझे चाहिए इसका पहले वाले का कुछ ग्रीन चाहिए और इसको ब्लैक चाहिए डिसलाइक को, तो वो आप चेंज कर सकते कलर। तो सिंपल सा आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लाइक वाली सेटिंग पे आ जाना है। तो सिंपल सा यहाँ पर है कस्टमाइज लाइक बटन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर दोस्तों अगर टेक्स्ट आपको चेंज करना है तो टेक्स्ट लिख सकते हैं, मुझे टेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अपडेट बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड कलर है हम चाहते हैं ग्रीन हो जाए, सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ से आप ग्रीन सिलेक्ट कर लेंगे और ग्रीन की कितनी मात्रा रखनी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। एंड यहाँ पर अपडेट लाइक बटन पर क्लिक कर देते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर है फिर अपडेट लाइक बटन आइकन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपने लाइक बटन को चेंज कर सकती हो, ठीक है। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट वो कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्टेड लाइक बटन का जो आइकन है वो यही होता है, ठीक है। सारी चीज़ करने के बाद अपडेट लाइक बटन पर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो ग्रीन कलर में लाइक बटन आने लगेगा, ये देखिए है ना। एंड दोस्तों आपको यहाँ पर ब्लैक करना है डिसलाइक को, आप चाह रहे हैं ग्रीन तो हो गया, आप मुझे ब्लैक करना है ये वाले डिसलाइक को, तो आप सिंपल से फिर से जाएंगे और यहाँ पर चेंज करेंगे यहाँ से कस्टमाइज डिसलाइक बटन, ये लाइक का था ये डिसलाइक, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ब्लैक कर देंगे जो भी करना चाहें आप, ठीक है। एंड यहाँ अगर बटन करना है तो बटन आप चेंज कर सकते हैं आइकन, अगर आपको आइकन चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से आप कर सकते हैं आइकन की, ठीक। एंड टेक्स्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि लाइक बटन में जो जो फंक्शन थे वो हो जाएगा, इसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। एंड अपडेट डिसलाइक बटन, एंड यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये हो गया, ये देखिए, अरे यहाँ पर नहीं हुआ, चलिए हम दोबारा अपडेट करते हैं, फिर से कस्टमाइज डिसलाइक बटन एंड अपडेट एंड रिफ्रेश। चलिए हम इसको प्राइवेट विंडो में खोल लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर ब्लैक आने लगा है ना, तो वो कुकीज़ का इशू था इसी वजह से वो रेड दिखाई दे रहा। तो इस तरह से बड़े ही आसानी से लाइक डिसलाइक बटन हम
ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, उसके कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी हमको रखना है वो कर सकते हैं, और आइकन भी चेंज करना हो तो कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ यूज़र की ये होती है कि मैंने लाइक डिसलाइक बटन लगा दी, अब मुझे रिमूव करना है। रिमूव बड़ा आसानी से हो सकता है दोस्तों, आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ जाना है, एंड प्लगइन है यहाँ पर, इंस्टॉल प्लगइन पर आप जाएंगे एंड नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपको प्लगइन को डीएक्टिवेट कर देना है और डिलीट कर देना है। जैसे आप करेंगे आपके यहाँ से लाइक बटन और डिसलाइक बटन दोनों ही रिमूव हो जाएंगे सारी पोस्ट के अंदर से, ठीक है, जो जो पोस्ट में इनेबल है। तो इस तरह से हम लाइक डिसलाइक प्लगइन यूज करके अपने साइट के अंदर लाइक डिसलाइक फंक्शन को इनेबल कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, वो भी फ्री में। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पअप डिग्री मार्चेट पर बने रहिए फ्रेंड। थैंक्स एंड बाय बाय।